नाज़रीन आप देख रहे हैं मास्टर टीवी, मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और माशरे में अपना नाम बनाते हैं। और आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि आज आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवा रहे हैं जो जिन्होंने वाकई कुछ कर दिखाया है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मकसद को परस्यू करते हुए, एक मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत की, तालीम हासिल की और अपनी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। आज मेरे साथ जुनैद तुफैल रॉय साहब हैं जो कि एक आला पाकिस्तान के नामवर तालीमी अदारे में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है और इसके साथ साथ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में उनका एक नाम है। ट्रेनिंग के शोबे से भी व्यवस्था हैं, राइटिंग भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इसके अलावा बहुत सारी उनकी ज़िंदगी की ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को मुतासर कर सकती हैं। ना सिर्फ ये बातें हैं बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो ख्वाब देखे थे उनको पूरा करके दिखाया और आज हम प्रोग्राम बातों बातों में उनकी ज़िंदगी की वही बातें उनसे पूछेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि आपकी इतनी मसरूफियात हैं और इसके बावजूद आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू करें। या सब, थैंक यू वेरी मच। बल्कि मैं आपका मशकूर हूँ। एक 15 दिन से मेरी और आपकी एक मुलाकात चाह रही थी कि हमने कब मिलना है। या सब, ज़िंदगी एक इंतखाब है, ये मेरा और आपका इंतखाब है कि आज हम बिल्कुल कट्ठे बैठे हुए। सो थैंक यू वेरी मच। आपने जो मेरा तारुफ है वो बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बेहतर करवा दी है, ये आपकी मेहरबानी है। नहीं सर, यू डिज़र्व इट। कोशिश तो यही कर रहे हैं कि जो आपके पैदा होने का मकसद है उसमें मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। हर इंसान पैदा होता है कामयाबी के लिए, खुशहाल ज़िंदगी के लिए। सही। और मेरी कोशिश यही होती कि कामयाब ज़िंदगी के बजाय आप खुशहाल ज़िंदगी के ऊपर काम करें। सही। काम बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने, आप थोड़ा काम करें, उसका रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई हो रहा है। सर, मैं जैसे आमतौर पर जब अपने गेस्ट होते हैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपने भी एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए और जिसका आप एक एक्नॉलेज भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं, और उसके बाद ज़िंदगी में मुश्किल देखी, मुख्तलिफ मसाइल भी देखे, लेकिन इसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं आ रही और जो आपने ख्वाब देखे थे उनको पूरा किया, इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, ये कहानी तो हमारे नाज़रीन के लिए शेयर करें। यह सब कहानी कुछ इस तरह है कि पेशे के लिहाज से मेरे वाले साहब दर्जी थे और मैंने उनको हमेशा मेहनत करते पाया। सही। चूँकि उन्होंने हमें बहुत कम टाइम दिया, वो ज़्यादातर अपना जो काम था उसको उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। दुबई चले गए थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी मेहनत के साथ अपना बिज़नेस डेवलप किया और हमारी पाकिस्तान में लाइफ बड़ी खूबसूरत चल रही थी। आपको पता है कि हर मुल्क के कुछ अपने कवानीन होते हैं, वहाँ पे काम करने के कुछ तरीक़ाकार होते हैं। तो 90s में उनके कारोबार में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई जिसमें उनको पाकिस्तान आना पड़ा, उनका कारोबार ख़राब हो गया और वहाँ पे काफ़ी हमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे याद है कि मैं 9th class में था और मुझे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था, घर का माहौल बड़ा अच्छा था। घर का जो निज़ाम था वो लीड कर रहे थे मेरे दादाजी, वो आर्मी से थे, घर का निज़ाम काफ़ी टफ था और मेरी वालदा ने बड़ी मेहनत से हम सबको, वालिद की गैर मौजूदगी में हमें पढ़ाया, 5 बहन भाई हैं हम। और वालिद साहब जब पाकिस्तान आए तो हमें कारोबार में नुकसान की वजह से घर बेचना पड़ा था, जो मैंने अपने घर के अंदर खोया। हमारे घर में बड़ी अच्छी ग्राउंड थी जो मैंने ख़ुद बनाई थी, उसमें पौधे मैंने खुद लगाए थे, मेरे पास घर में परिंदे भी थे। सही। मेरे पास एक मेरा डॉग था जैकी, वो मेरी उससे बड़ी एसोसिएशन थी। सही। और यहाँ से मैं आपको क्या बताऊँ कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिस घर में हम रहते थे कि अचानक हमें ये कह दिया कि आपको इसको खाली करना पड़ा, चूँकि हमने घर बेच दिया था और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत एक दर्दनाक दिन था। और यानी कि आप सोच नहीं सकते थे कि आपको अपना घर जो कि आपने, आपके वालिद साहब ने बड़ी मेहनत से बनाया हो, जिसको आपने सब बहन भाइयों ने मिलके, आपकी वालदा ने मिलके सजाया हो और आपको वो बचपन की यादें हों वहाँ पर, हाँ, वो घर हमें छोड़ना पड़ा, तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर हम किराए के घर पर चले गए,
پھر والد صاحب نے پاکستان میں بھی محنت کر کے کافی چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ زمین پہ گرتے تو لوگ آپ کو چاہ رہے کہ اب یہ گریں گے یا اٹھیں گے, اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر گر جاتے ہیں اور اگر آپ اٹھیں گے نہیں تو پھر آپ کوئی مثال نہیں بن سکتے, کوئی آپ دوسروں کے لیے موٹیویشنس نہیں بن سکتے. پھر یوں ہوا کہ اسکول کے حالات کافی خراب ہوئے, فیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, پھر مجھے اسکول چھوڑنا پڑا اور میرے بڑے بھائیوں نے چھوٹے چھوٹے کام کیے, جیسے میرے بھائی ہیں شرازی, انہوں نے میری فیس کے لیے, مجھے یاد ہے فیکٹری میں کام کیا تھا, بڑے بھائی ہیں انہوں نے پینٹ کا کام کیا, اور اس طرح ہم نے گھر کا شروع کیا. پھر ہمارا گھر کرائے کا ہو گیا, پہلے اپنا گھر تھا پھر ہم کرائے پہ چلے گئے. اور پھر اسکول میں میرا یہ معاملہ تھا کہ جب فیس 10, 15, 20 تک تو مجھے کلاس میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا تھا, فیس ہوتی نہیں تھی, اور فیس بھی اس وقت وہ زیادہ نہیں تھی, 70 روپے یا 80 روپے تھی, لیکن وہ دینے کے لیے نہیں تھے, کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تو فیس کہاں سے دینے تھے. تو ہر دفعہ جب مہینہ ختم ہونا تھا یا شروع ہونا تھا تو میں بہت زیادہ ڈر کے رہتا تھا کلاس میں, اور زیادہ تر مجھے کلاس سے باہر ہی رہنا پڑتا تھا, کیونکہ وہاں پہ ایک جو بچے فیس نہیں دیتے تھے ان کو کم از کم چھوٹی سی سزا, وہ ہمیں باہر بیٹھنا پڑتا تھا. تو اس طرح ہوا کہ میرے چاچا جی نے مجھے اردو زار میں کام لگوا دیا. اردو زار میں یہاں سب میری 1500 سیلری تھی اور مجھے 20 روپے ملتے تھے, اور وہ میں نے اس میں سے 5 روپے میں کرائے کے لگا دیتا تھا اور 15 روپے میں اکٹھے کرتا تھا, اور وہ تقریباً 400 روپے بنتا تھا, 450 جو میں نے اپنی امی کو 2000 دینا ہوتا تھا, 1500 لیکن وہ میں نے اس کو جوڑ کے اپنے گھر والوں کو دینا. پھر اردو زبان میں بھی میں چھوٹے چھوٹے سائڈ کام کرتا تھا, جو بھی کام مجھے ملتا تھا, میں نے پروف ریڈنگ کا کام کیا ہے, میں نے پریکٹیکل کی کاپیاں بنائی اور میں نے وہ کیا, لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مجھے یہاں ابھی رکنا نہیں ہے, مجھے اردو زبان میں نہیں رکنا, مجھے آگے جانا تھا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس پوزیشن پہ ہوں میں اسے اگلی پوزیشن پہ کام کروں. میرے کزن ہیں عامر, وہ اواری ہوٹل میں کام کرتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ ٹیوزڈے کو آپ وہاں انٹرویو کے لیے جا سکتے ہو. اور ایاز صاحب, انٹرویو سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا فلیش بیک دوں گا اپنے ماضی کا. مجھے انگلش بولنے کا شوق جو کہ ہر جوان کو ہوتا ہے, اور یہ اس وقت کے ابھی بھی پاکستان میں یا مستقبل میں بھی بالکل, اور ہاں جی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے. جی جی, تو میں انگلش سیکھنے کا شوق تھا, اور میں بادشاہ مسجد جاتا تھا, شاہی قلعے میں جاتا تھا, وہاں پہ میرے پاس چونکہ پیسے تو تھے نہیں, ایک بیگ ہوتا تھا, پانی کی بوٹل, کبھی سٹا لے لینا, کبھی نان چنے کے لیے پیسے رکھ لینے, اور وہاں پہ میں لوگوں سے فارنرز کو بادشاہ مسجد کے باہر میں تھوڑے سے پیسے 1-2 روپے لگتے تھے جوتی جمع کرانے کے لیے, تو وہاں بھی میں بیٹھا رہتا تھا, جب کوئی دور سے دیکھنا ہے کہ کوئی فارنرز آ رہے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ, ایکسکیوز می سر, مائی ٹیچر سیڈ اف یو وانٹ ٹو امپروو یور انگلش یو ٹاک ود انگلش پیپل, تو انگلش کی پریکٹس کے لیے مجھے وہاں جانا پڑتا تھا, اور کبھی بسوں کے پیچھے لٹکنا, کبھی کرایہ نہیں ہوتا تھا, کبھی پیدل بھی میں چبرجی سے سیکٹریٹ ایڈوانس میں پیدل جاتا تھا. اس طرح ہم نے انگلش بولنے کے لیے ایک پریکٹس کی, جو کہ بعد میں مجھے ہوٹل انڈسٹری کے پہلے انٹرویو میں بڑی کام آئی تھی, میں اس لیے اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ لنک کر رہا ہوں. تو پہلے انٹرویو میں بھی جب میں ندیم چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہی سلیکٹڈ می بیکاز آف مائی گڈ انگلش, کہ آپ کو ہم ایک ایسی ریسٹورنٹ میں شفٹ کریں گے جہاں پہ آپ جیسے ہمیں بولنے والے لوگ چاہیے. تو میں جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مقصد یہ کہ آپ کو کسی بھی مقابلے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے, یہ زندگی ایک مقابلہ سر, وہ انگلش سیکھنے کے لیے ایک جنگ لڑی, گوروں کو ڈھونڈ رہا ان سے بولی, پھر اسکول میں فیس نہیں بھی ہوتی تو اسکول میں جاتا تھا, پھر میٹرک میں میں نے اسکول چھوڑ دیا, پھر میں نے ایک پرائیویٹ اکیڈمی تھی ذوالفقار اکیڈمی, وہاں پہ 1 مہینے میں میٹرک کی تیاری کی, تو اس طرح میٹرک سے نکلے اور پھر ایف اے کیا, اور پھر اردو بازار میں جاب کی, اردو بازار میں مقام حاصل کیا, پھر اردو بازار سے میں اواری ہوٹل میں آیا, اواری ہوٹل میں محنت کر کے وہاں بھی میں امپلائی آف دا منتھ بڑھا کام عرصے میں. ایا سب یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے کراچی سے کیسے اپروچ کیا یا کیسے آپ نے میری اسٹوری پڑھی. یہ حقیقت ہے کہ بڑا برا وقت دیکھا میں نے, لیکن میں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اور ہمیشہ اپنی منزل پہ نظر رکھی اور چلتے رہنے کے لیے میں ہمیشہ کمیٹڈ رہا ہوں. اواری کے بعد مجھے سر دوسرا جو مقامی بڑا ہوٹل تھا پرل کانٹیننٹل, وہاں سے جاب آفر ہوئی, وہاں پہ میں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا. میرا ایک اصول ہے کہ میں اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں نے بڑے کم عرصے میں گوگل سے بڑی چیزیں سیکھیں, فوڈ اینڈ بیوریج کی بکس پڑھیں,
मैंने अपने जो टीचर्स हैं पाकिस्तान में बड़े अदारों में बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा और मैं जब भी कभी मुश्किल में होता हूँ तो मैं उनसे रबते में रहता हूँ। मैंने कोई प्रमोशन ली है उसकी उनको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुझे कुछ ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं तो मैं अपने उस्तादों की तरफ देखता हूँ, चूँकि जो जिनके उस्ताद होते हैं उनके लिए मुकाबला करना उनके लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। तो सही, ये जो आपने सफ़र बताया, और क्योंकि मैं आपके इस सफ़र को बहुत हद तक जानता हूँ, उसके बाद आपने होटल इंडस्ट्री में मैंने सुना भी, देखा भी, लोगों से पूछा भी, एक बहुत आला मुकाम हासिल किया है। और एक कल क्या कहा जाता है कि आप एक टाइम में लाहौर के यंगेस्ट जो है वो एक पोजीशन जो था आपके पास थी वो थे, तो ये कैसे मैनेज किया? और फिर ग्रूमिंग कितनी इंडस्ट्री में हुई, और फिर उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें, ये शोर और लिखना पढ़ना, ये कैसे आया? अयाज साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, आई वाज वेरी यंग। क्योंकि मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, रिलेट करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स, जैसे आपकी स्टोरी है, मेरी स्टोरी है, इसी तरह की सूरत हाल से, बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो स्टक हो जाते हैं और इतने चैलेंजेस देखने के बाद, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पाँच दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद वो समझते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी में कामयाबी लिखी नहीं है। तो आपको नहीं कहीं लगा था ज़िंदगी में कि यार मैंने इतनी एफर्ट की है, शायद जो है वो मेरे लिए जो मैं मुकाम चाहता हूँ हासिल करना बड़ा मुश्किल होगा? अयाज साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं थोड़ा सा अगर माजी में जाऊँ तो मैं बहुत दुबला पतला था। सही। मेरी बड़ी मूछें थी, मैं ऐसा था नहीं, मेरे घुंघरेले बाल थे और मैं बिल्कुल अपनी बहुत ज़्यादा सासी कमतरी में भी रहता था। उसके बाद मैंने ये फील किया कि मेरी जो इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ में इंसान को गुड लुकिंग होना पड़ेगा। सही। तो मैंने सर गूगल पे बहुत सारी चीज़ें टाइप की, मैंने गूगल से बहुत ज़्यादा सीखा। फिर मैं जिस इंडस्ट्री में रहता हूँ यहाँ पे, इस इंडस्ट्री में, इट्स इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट फैशन, हर रोज़ नए नए लोग आ रहे होते हैं। सही। मैंने इंसान माने ना माने, इंसान कॉपी पेस्ट है। बिल्कुल ऐसे। आपने जो सीखा है आपने दूसरों से सीखा है, बुक से पढ़ा है, और आपको सीखते रहना चाहिए, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं। मैं ऐसा दिखता नहीं था, ये चीज़ें मैंने सीखी हैं, ग्रूमिंग की क्लासें मैंने पढ़ी हैं, मैंने लोगों को कॉपी किया है। मैंने, मेरे एक टीचर थे विक्टर नेपोलियन, वो हमेशा कहते थे कि आप अपने सीनियर्स की अच्छी चीज़ों को कॉपी करें, ना कि बुरी चीज़ों को कॉपी करें। तो मैं 2015 में असिस्टेंट एफएम भी था पाकिस्तान के एक बड़ी प्रॉपर्टी में, हमारे शोबे में फूड एंड बेवरेज में एफएनबी मैनेजर होना या असिस्टेंट एफएनबी डायरेक्टर्स और इसके आगे जो पोजीशन है उस पर, ये एक फर्स्ट स्टेप था मेरा, और ये मैंने अचीव करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम किया, अपनी नॉलेज पे भी काम किया। मैंने ट्रेनिंग्स के कोर्स किए, मैंने 2005 मैंने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, मैंने गोल्ड मेडल लिया, और मैंने इंडस्ट्री में अंदर रहते हुए अपने अदारे में बहुत ज़्यादा कोर्स किए थे, जो कि अदारे की तरफ से मुझे ऑफ़र भी हो, और कुछ में तो मैंने खुद से मेरा नाम नहीं भी होता था, तो मैं इस चीज़ पे लड़ पड़ता था कि इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है। मुझे याद है 2005 का जो मैंने कोर्स किया था स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें मेरा नाम नहीं था, बट आई फाइट विद माय सीनियर्स, मैंने कहा जी मुझे इसमें जाना है। तो ये जो आपने बात की है, तो यस, मैं असिस्टेंट एफएन भी हुआ, तो आई वॉज़ वेरी यंग, मुझे नहीं याद पड़ता कि इस एज में कोई एज ए वेटर या कोई रेस्टोरेंट मैनेजर इस पोजिशन पर इतनी जल्दी आया हो। तो ये सब खुदा की मर्जी। सही सही। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नज़र हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में, आपको खुश आमदीद कहते हैं, और आज हमारे गेस्ट जनाब जुनैद तुफैल रॉय हैं, जिनसे हमारी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त जारी थी, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को हमने जाना। जुनैद साहब, जैसे आपने ज़िक्र किया, इस होटल इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर ज़्यादा जो है आपकी स्किल पर, प्रेजेंटेशन पर जो है वो फोकस किया जाता है, एजुकेशन मैटर करती है, और आपने एजुकेशन कहाँ कहाँ से और कितनी हासिल की है? यह सब एजुकेशन तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़ें, बच्चे पढ़ें, आपके बच्चे आप भी चाहेंगे कि वो पढ़ें, ये ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, पढ़ना लिखना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ रहा है, लेकिन मेरे जो अचानक, मैंने आपको पिछले अपने जो बात में, बातों बातों में जो चल रहा था सिलसिला, अपने वाले साहब के बिज़नेस के हवाले से भी बताया था,
मुझे स्कूल में ही ये फेज़ में से गुजरना पड़ा कि मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे पीछे तो हटना नहीं है। मैंने एक छोटी अकेडमी में दाखिला लिया और मैंने मैट्रिक की तैयारी की और मैंने फ़र्स्ट पोजीशन उसमें हासिल की। अब आगे आ जाता था कि मैं कॉलेज में जा नहीं सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने वेट किया और मैंने इस दौरान जो भी मुझे काम मिले वो मैंने किए, लेकिन मेरा मकसद था कि मैंने पढ़ना है और मैंने उस मकसद को पाने के लिए मैं बड़ा परेशान रहता था, मैं रोता था और मैंने कभी घर वालों नहीं बताया कि मैं किस फेज़ से गुजर रहा हूँ। मैं एक दिन बताने वाली बात है, मैं एफए की तैयारी करना चाह रहा था तो मैं एक तंदूर से रोटियां लेने गया तो उसके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था। अब आपको होता है आपको रोटियां लग रही हैं तो आपको वेट करना पड़ता, तो तंदूर पे लिखा हुआ था कि सिर्फ एक महीने में एफए की तैयारी के लिए तशरीफ़ लाएं। ठीक है, तो वो जुल्फ़कार अकेडमी थी एमयू कॉलेज के साथ, एक छोटी सी गली में थी। अब वहाँ मैं चला गया तो वहाँ पर नौ लोग थे मैट्रिक की तैयारी के लिए और कोई 5 से 6 टीचर, तो टीचर बड़े मंजे हुए थे। अब जिन्होंने ये डेडलाइन लगाई हुई थी कि 3 माह में आप एफए की तैयारी करें, मैंने वहाँ पे जाके 3 महीने में एफए की तैयारी की और वहाँ से समहाउ किसी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। फिर मैंने 7 सीज शामनगर में एकेडमी थी वहाँ पे 1 माह के लिए एडमिशन लिया, चूँकि वहाँ पे तादाद कम थी तो वो मुझे कंपटीशन नहीं मिला, तो फिर मैं 7 सीज में आया। तो फिर वहाँ पर मुझे जो सबसे ज़्यादा पज़ीराई मिली, मेरी राइटिंग अच्छी थी, मैं कटे मार्कर यूज़ करता था, मैं पेन यूज़ करता था और स्कूल की तरह स्कूल में जब मैं तख्ती लिखता था तो मेरी तख्ती हमेशा क्लास में ऐसी रहती थी कि ऐसे लिखे। वहाँ पे जाके मुझे फिर मौका मिला, जब मैं लिखता था तो क्लास टीचर मेरी हमेशा टेस्ट थे जो वो हमेशा ऐसे दिखाती थी कि जैसे जुनेद लिखता है तो ऐसे लिखे। तो आपको पता है कामयाबी शौक़ से मिलती है, खौफ से नहीं मिलती। तो इंसान जब कुछ करना चाह रहा होता है तो वो कायनात की सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ रही होती है। तो थैंक्स गॉड मैंने एफए फिर 7 सीज के साथ काम किया और मैंने वहाँ पे मेहनत की, फिर मैंने इस तरह एफए पास किया। और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं एफए था और मेरी मिसेस एमबीए एचआर थी सुपीरियर से, और या सब मेरे पास सर्टिफिकेट ज़्यादा थे और मेरी मिसेज़ के पास एजुकेशन ज़्यादा थी, लेकिन फैमिली वाइज हमारी शादीशुदा लाइफ बड़ी अच्छी थी, लेकिन मेरे अंदर एक छोटी सी जुस्तजू रहती थी कि मैंने जिस पोजीशन पे जाना है, जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे टारगेट्स हैं ना, उसमें लास्ट डिग्री बड़ा मैटर कर रही होती, तो मुझे ग्रेजुएशन करनी थी। और यह सब आपको एक चीज़ बताऊँ, शायद आप जज कर सकते हैं, आपको पता है मैंने बीए अपनी इब्तदाई तलीम के बाद कितनी देर बाद की होगा, 20 साल बाद मैंने बीए पास किया था। और मेरी 2 बेटियां थी, जिया थी मेरे साथ, और मैंने जब बीए का एडमिशन भेजा तो फिर मैंने क्विट कर दिया इसको, लेकिन मेरी मिसेस ने मुझे थोड़ा सा जज्बा मोटिवेट किया, उन्होंने कहा नहीं तुम तो क्विट नहीं करने वाले जुनेद, तुम तो ज़रूर करोगे। फिर मैंने घर से निकल के मैंने मॉडल टाउन के ग्राउंड में मैं सुबह 8 बजे जाता था और 1 बजे तक बीए की तैयारी करता था, और फिर शाम को 2 बजे टाउनशिप बोर्ड जो मेरा बना हुआ था जहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल, वहाँ पर जाता था। और इस तरह मैंने कोई 15 से 20 दिनों में अपनी अच्छी लिखाई की वजह से और पूरी तवज्जो के साथ बुक्स को मैंने रीड आउट किया और मैंने इस तरह बीए किया। और बीए का जब रिज़ल्ट आया तो उस वक्त मेरी मिसेज ने लैपटॉप पे चेक किया तो मैं आई वॉज शॉक्ड कि मैं पास हूँ। और फिर आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन जारी था, मैंने बीए के बाद एमबीए के लिए दाखिला ले लिया और फिर एमबीए के मैंने 2 सेमेस्टर किए, लेकिन एमबीए मेरा फ्रीज़ है। लेकिन अब शुक्र है कि मैं अपनी घर में मिसेस के हवाले से और अपनी जो पोजीशन अभी मैं जिस करंट पोजीशन पे हूँ एफएडबी मैनेजर, उसके लिए मैंने अपनी तैयारी की। और वो आपको तो प्रोसेस में से आपको गुजरना पड़ेगा, तो ये अल्लाह का शुक्र है जी। आप लिखते भी हैं और एक किताब भी आप लिख रहे हैं, कुछ कर दिखाने वाले पाकिस्तानी, तो इसके अलावा आप कंसल्टेंसी भी देते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग पे, ब्रांडिंग पे भी काम करते हैं, इसका आइडिया कैसे आया और आप क्या समझते हैं जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं कि अपने आप को ग्रूम करना, प्रेजेंटेबल करना और अपने आप को कैरी करना, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए और एक्सीलेंस तक जाने के लिए? ये देखें जी, 2 चीज़ें आपने मुझसे पूछी हैं जो मुझे लग रहा है मेजर चीज़ें हैं। एक तो कंसल्टेंसी की ट्रेनिंग्स है और ग्रूमिंग जो है वो क्या कितनी ज़रूरी है। ये जो या सब ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी है ना, इसका मैं कुछ चार्ज नहीं करता, ये फ्री है। सही, मैंने लाइफ में बड़ी ट्रेनिंग्स ली हैं और मैंने तरबियत है ना, ट्रेनिंग की मैं आपको थोड़ी सी वैल्यू बता दूं। ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद फ्लाई करते हैं जहाज़ में बैठते हो और अगर आपको पता चल जाए कि अनट्रेन्ड पायलट है तो आप सफ़र करेंगे? बिल्कुल नहीं।
हाँ, तो ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको मुकम्मल, बिल्कुल मुकम्मल तो नहीं कर सकती, लेकिन कामलियत की तरफ आपको लेके जा रहे होते, रिजल्ट्स बेहतर आ रहे होते। तो ट्रेनिंग्स मैं फ्री देता हूँ। कंसल्टेंसी से मुराद ये कि अगर किसी को कहीं वीकनेस फील होती है बेहतरी के लिए, तो दे कॉन्टेक्ट मी, वो मुझसे रब्ता करते हैं, तो मैं जो गाइडलाइंस हैं वो मैं उनको दे सकता हूँ, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो मेरा प्रोफेशनल है, जो मैंने सीखा है, वो मैं डिलीवर कर देता हूँ। जहाँ तक ग्रूमिंग की बात है, तो आप अगर बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, तो आप किसी बड़े फंक्शन में या किसी महल में वो आपको दाखिल नहीं होने देते। तो अच्छी कटिंग आप करवा लें, आप अच्छे कपड़े चूज़ कर लें, अच्छे कलर चूज़ कर लें, अच्छे शूज़ चूज़ कर लें आप, अच्छे सॉक्स पहने, अच्छी घड़ी पहने आप, बहुत ज़्यादा ओवर फैशन ना करें। ये सारी ग्रूमिंग, ग्रूमिंग का उर्दू में मतलब ही है जाज़्बे नज़र। आप अगर जाज़्बे नज़र हैं तो आप ग्रूमिंग है। तो लोग समटाइम मुझे कहते हैं कि आप बड़े अच्छे दिखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। उसकी मेरी एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, मैं चीज़ें खरीदता हूँ अपने लिए, वक्त से पहले उसकी तैयारी करता हूँ। तो ये सबका फ़र्ज़ है, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखें, उनका अच्छा दिखना तो बहुत ज़रूरी है। एक शादीशुदा जो है उसको अपनी फैमिली के लिए, अपनी मिसेस के लिए उसको अच्छा दिखना चाहिए। अगर आप मैनेजर हैं, आप बॉस हैं, तो आपको अपनी टीम के लिए अच्छे दिखना चाहिए। आपको अखलाकन आप साफ़ सुथरे हैं, तो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो ग्रूमिंग हर बंदे का राइट है, उसको दिखना चाहिए। सही, आप क्या समझते हैं कुछ कर दिखाने के लिए कौन सी वो आग होती है, या वो कौन सी एक फैक्टर होता है अंदर आपके अंदर एक जो है वो जस्तजू होती है जो आपको आगे ले जाती है, और हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किल जितनी भी हों, आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। देखिए जी, ये शुरू होता है कि आपके ख्याल कितने अच्छे, आप कितने जज्बाती नहीं, आपके अंदर जज्बा कितना, जज्बा कितना। कोई भी यार साहब, मुझे जैसे कि आपने कुछ देर पहले बताया कि आपने कोविड में ये स्टोरीज और ये रिकॉर्डिंग शुरू किया, यूट्यूबर बने, तो ये आपका जज्बा है कि आप कराची से कासम अली शाह को रिकॉर्ड किया, आपने लाहौर में आके मिले, कैसर अब्बास से मिले, आपने डिफरेंट नाम मुझे बताया, आप उन लोगों से मिले, तो ये आपका एक जज्बा है। और वो उन लोगों को भी सलाम है जिन्होंने आपको मौका दिया है। तो आज आप ये काम करें, आपने स्टार्ट करना है, मेरा ये कहने का मतलब है कि जज्बा भी है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन लोग स्टार्ट नहीं करते, शुरू नहीं करते। अब मैं एक वक्त था कि मैं तो उर्दू बाजार से ही किताब लिखना चाह रहा था, मैं उर्दू बाजार में था जब मैं किताबों की दुनिया में गया था, तो मुझे उस वक्त लग रहा था कि मुझे किताब लिखनी है, लेकिन मैंने उस मकसद को मरने नहीं दिया। अब मेरी जो किताब आ रही है कर दिखाने वाले पाकिस्तानी, अब ये मैंने नाम चूज़ क्यों किया, हम जब छोटे थे या आप छोटे थे, तो आप को अंदर एक खसूसियत है खुदा ने दी हुई कि आप लोगों की तरफ देखते हैं, आप ऐसा बनना चाहते हैं, आप वो सब चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जो उनके पास है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, स्टेटस, खाना पीना, ये सारा कुछ पॉसिबल है आपके लिए। आपने उनसे मिलके उनके बारे में जानने की कोशिश करनी है। काफ़ी लोग कहते हैं जी मलक रियाज के पास वो सारा कुछ है, पाकिस्तान में बड़े नाम है जिनके पास ये सारा कुछ है। अब देखिए उन्होंने स्टार्ट किया, मलक रियाज के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा, तो ही स्टार्टेड इज कैरियर फ्रॉम स्कूटर फाइलें, हमने तो उनको नहीं देखा। अब मैंने उनके बारे सुना तो है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कि उनकी स्टोरी को ऐड करूँ। कैसर अब्बास को आप जानते हैं, आपने उनकी स्टोरी सुनी है, आप कितने मोटिवेट होते हैं। तो मैं जब दूसरे लोगों की स्टोरियाँ सुनता था, पढ़ता था, तो मैं देखता था कि ये कैसे इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। अब 20 साल बाद मुझे भी ये लग रहा है कि इंसान को शुरू करना चाहिए कोई काम, उसको प्रोसेस में से गुजरना है, फिर आपको पहले एक काम करना है, फिर आपको इनाम मिलना है। तो ये एक तरीकाकार है कि आप, मैं हमेशा लिखता हूँ कि मेहनत हमेशा अपना आप अदा करती है। तो अयाज साहब, ये मेहनत है आपकी, मैं और आपके यहाँ इकट्ठे बैठे हुए, आपने मुझे काफ़ी कॉल्स की, मैंने आपकी कॉल्स पिक की, मैं आपको इनकार करता रहा, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, तो ये आपका भी जज्बा और मेरा भी जज्बा है कि हम यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं और बातों बातों में प्रोग्राम सारे लोग देख रहे हैं। सही, थैंक यू सो मच आपका कि आपने इतना अच्छा वक्त दिया, और सबसे बढ़कर आपकी ज़िंदगी वाकई ही एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है और रोल मॉडल है उन नौजवानों के लिए जो हालात को ये जो है वो रीज़न बनाते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सके। दर हकीकत ये हालात होते हैं जो आपको मुतहरक कर रहे होते हैं, ये आपके अंदर वो आग, वो तूफान उजागर करना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, अपनी दुनिया आप बदलें। आज के इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे अपने गेस्ट की ज़िंदगी से कि अगर आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो ये दुनिया आपके लिए है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।